जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत शुक्रवार को नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय पर रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग प्राथमिक विद्यालय रसोईया ने अपने हाथों से भोजन पकाया, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने रसोइयों के द्वारा बने भोजन को खुद खाकर अपने हाथों से चेक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी रसोइयां हैं उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए उनको नियमित रूप से प्रशिक्षण कराते हुए दक्षता सुधार करने के लिए प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रसोइया बहनों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें उत्कृष्ट भोजन बनाने वाले रसोइया बहनों को सम्मानित किया गया है, जो कि हर्ष का विषय है। इसी तरह परिषदीय विद्यालय में बेहतर व्यवस्था, बच्चों को मिले मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, साफ सुथरे माहौल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिले, यही जिला प्रशासन का उद्देश्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सुरक्षा मानक के लिए हमने यहाँ पे पानी और बालू का इंतजाम करा दिया है, तो घबराने कोई बात नहीं, हम यहाँ लगे रहेंगे आपके साथ। कहीं कोई ये शासन की एक योजना है,
भोजन माता को प्रोत्साहित करने के लिए, तो हम लोग आज इस प्रांगण में ये पाकला प्रतियोगिता करा रहे हैं और इसमें हम इन भोजन माताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो पुरस्कार है 3500 रुपये, 2500 रुपये और 1500 रुपये इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और कंसोल प्राइज भी दिया जाएगा। चूँकि ये गांव से आई हैं तो इनका आने जाने का किराया भी हम लोग इनको देंगे। कितना फायदेमंद होगा इस तरह का? ये बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि ये प्रोत्साहित भी होंगी और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए क्योंकि विद्यालय में हमारे बच्चों को बढ़िया भोजन कराती हैं। इनका नाम हम लोग भोजन माता कहते हैं क्योंकि ये माता का रूप ही होती हैं, तो हम लोग इनसे अपेक्षा करते हैं कि आप माँ के रूप में, चूँकि विद्यालय में होती हैं, तो बच्चों को जो शासन की योजना है पूरा पौष्टिक भोजन उनको कराएं और इस प्रकार बच्चे भी मतलब खुश रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील संचालन के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी हमारी रसोइयाँ हैं, रसोइया बहन हैं, उनके लिए मनोबल ऊंचा रखने के लिए, उनको नियमित रूप से प्रशिक्षण कराते हुए दक्षता सुधार करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजन हर साल होती है। इस साल हम लोग करा रहे हैं, बहुत ही उत्सव के माहौल में हमारे रसोइयों ने उसमें प्रतिभाग किया और सबसे उत्कृष्ट प्रगति दिखाने वाले, दक्षता रखने वाले हमारे रसोइयों को पुरस्कार किया गया, उनको अवार्ड दिया गया। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है और इसी तरह हमारे परिषद विद्यालयों में और बेहतर व्यवस्था, परिवेश बच्चों को मिले, मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, साफ सुथरे माहौल में अच्छे गुणवत्ता का हम खाद्यान्न खाना बच्चों को मिले, यही कोशिश सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने की जिला प्रशासन शिक्षा विभाग का उद्देश्य है।